हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, जो कि आपके सब एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो एलएलएम का एंट्रेंस हो, चाहे वो जुडिशरी का हो, चाहे वो क्लैट का एंट्रेंस हो। तो इसमें क्या आता है कि क्या क्या चीज़ें हमने बोरो करी हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो उत्तर ये यूके से हमने क्या लिया है, पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया है, रूल ऑफ लॉ लिया है, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है, जो पार्लियामेंट को प्रिविलेजेस मिले हैं। प्रिविलेजेस मींस उनके पास राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप मीन्स सेंटर और स्टेट लेवल पे आपको दोनों लेवल पर एक ही सिटीजनशिप गिवन है। टू प्रमोट यूनिटी, यूनिटी प्रमोट करने के लिए हमने सिंगल सिटीजनशिप का क्या करा, कॉन्सेप्ट डाला। नेक्स्ट आता है यूएसए, यूएसए से क्या क्या बोरो करा है, वी द पीपल जो हम कहाँ यूज़ करते हैं अपने प्रीएम्बल में, एफ आर मीन्स फंडामेंटल राइट जो हमारे आर्टिकल्स गिवन है। फिर है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब होता है कि प्रेसिडेंट को कैसे रिमूव किया जाता है। और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से ग्राउंड पे प्रेसिडेंट को रिमूव किया जाता है, तो वो सिर्फ वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के ग्राउंड पे ही उन्हें रिमूव किया जाता है। वाइस प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है कि कोर्ट अपने ही जजमेंट को जब क्या करती है, रिव्यू करती है, दोबारा से देखती है। सुप्रीम कोर्ट एंड इट्स पावर, सुप्रीम कोर्ट एंड इट्स पावर का मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट को पावर दी गई है वो भी हमने यूएसए से बोरो करा है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी मीन्स थ्री ऑर्गन्स है हमारे यहाँ गवर्नमेंट के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो जुडिशरी को इन दोनों से इंडिपेंडेंट रखना, जिससे कि वो एक फेयर जजमेंट कर सके, इम्पार्शल होकर जजमेंट कर सके। एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी हमने यूएसए से लिया है। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कौन सा है, 1935, यह हमने पढ़ा था अपने लास्ट क्लास में, जिसमें शेड्यूल्स थे। अब एट प्रेजेंट हमारे यहाँ पे कितने शेड्यूल्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं, ये भी पूछ लेते हैं। लिस्ट, लिस्ट की बात करें तो लिस्ट क्या है, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है सेंटर और स्टेट के बीच में, उसमें जो लिस्ट बनाई गई है, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड सेंटर लिस्ट, यूनियन लिस्ट, तो ये भी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से बोरो करी है। फ्रांस, फ्रांस से हमने बोरो करा है लिबर्टी, लिबर्टी एंड रिपब्लिक, लिबर्टी एंड रिपब्लिक की कहाँ वर्ड्स यूज़ हुए हैं, ये दोनों वर्ड्स यूज़ हुए हैं प्रीएम्बल में। और भी हमने दो चीज़ें करी हैं, लाइक इक्वालिटी, इक्वालिटी भी हमने प्रीएम्बल्स में जो इंक्लूड करा है वो भी फ्रांस से लिया है। प्लस फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी भी हमने यहीं से, फ्रांस से बोरो करा है। फिर नेक्स्ट आता है साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से हमने क्या बोरो करा है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मींस कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजेस आते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 368 के अंदर। देन जापान, जापान से हमने लिया प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ का मतलब क्या होता है कि जो लॉ में एक प्रॉपर प्रोसीजर एस्टेब्लिश कर रखा है, और ये आप टर्म कहाँ पे देखोगे, आर्टिकल 21 में ये यूज़ किया गया है कि नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी विदाउट प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, जब तक कोर्ट जो है प्रोसीजर नहीं एस्टेब्लिश करता। नेक्स्ट आता है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या बोरो करा है, कॉन्करेंट लिस्ट बोरो करा है, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें ट्रेड है, कॉमर्स है, ट्रेड कॉमर्स जो है, और जो मैं यहाँ जो आप लिस्ट की बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, उसमें जो सेंटर और स्टेट के लिस्ट, मतलब स्टेट लिस्ट एंड यूनियन लिस्ट ही दोनों इंक्लूड रखना। और ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया, कॉन्करेंट प्लस ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स जो आर्टिकल 301 में कि हमारे पास राइट है कि हम ट्रेड कर सकते हैं, गवर्नमेंट जो रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करती है वो ऑस्ट्रेलिया से। एंड यूएसएसआर से हमने क्या लिया, फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल ड्यूटीज़ याद रखना स्टार्टिंग से नहीं थी, ये बाद में क्या कहते हैं हमने अडॉप्ट करी थी, बाय 42nd अमेंडमेंट हमने क्या करी थी, फंडामेंटल ड्यूटीज़ करी थी। और एंड 5-year प्लान भी हमने यूएसएसआर से ही लिया था। नेक्स्ट कम आयरलैंड, आयरलैंड जहाँ हमने लिया है DPSPs, DPSPs क्या होता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, मींस ये एक प्रिंसिपल्स होते हैं, गाइडलाइंस होते हैं स्टेट के लिए कि आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना है, एक वेलफेयर स्टेट के लिए होते हैं। दो ये कोर्ट में इन्फोर्सिएबल नहीं हो सकते, आप कोर्ट में जाके इनको इन्फोर्स नहीं करा सकते, यही डिफरेंस है फंडामेंटल राइट्स में एंड DPSPs में, कि फंडामेंटल राइट्स को आप इन्फोर्स करा सकते हो पर DPSPs को नहीं करा सकते हो। नेक्स्ट कम कैनेडा, कैनेडा से हमने क्या लिया है, फेडरलिस्ट का, फेडरल प्रोविजन लिया है जिसमें फेडरेशन होता है, जैसे अब हमारे यहाँ पे क्या है,
सेंटर एंड स्टेट में पावर तो डिवाइडेड है, पर दोनों में क्या है, एक तरीके से सेंटर स्ट्रांग माना जाता है। अगर दोनों ने एक ही सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बना दिया तो किसका ओवरराइडिंग, सेंटर का ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा किसके ऊपर, स्टेट के ऊपर। नेक्स्ट रेजिडुअरी पावर, रेजिडुअरी पावर मींस ना ही जो स्टेट में आती ना यूनियन में ना कॉन्करेंट में, तो वो प्रोविजन भी हमने कैनेडा से लिया। एंड लास्ट प्रोविजन इज जर्मनी, जर्मनी का जो हमने लिया है, जर्मनी से जो हमने लिया है इमरजेंसी प्रोविजन लिया है। लाइक इमरजेंसी तीन तरीके की होती है, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, जिसमें कि आया है इमरजेंसी इम्पोज कर देते हैं। तो ये हमारे थे सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। अब हम कुछ देखेंगे इनके क्वेश्चंस भी, आप वीडियो पॉज करके खुद अपने दिमाग में लगाना कि कौन सा क्वेश्चन होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन आर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, जो हमने जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो हमने कहाँ से बोरो करा था, तो वो हमने बोरो करा था यूएसए से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोरोड द स्कीम ऑफ इंडियन फेडरेशन, इंडियन फेडरेशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, हमने पढ़ा था इंडियन फेडरेशन, फेडरेशन सिस्टम हमने कहाँ से बोरो करा है, तो हमने बोरो करा है कैनेडा से। नेक्स्ट आता है, द फेडरेशन सिस्टम विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, तो ये भी इनडायरेक्ट वे में वही पूछा जा रहा है कि फेडरेशन की बात की जा रही है जिसमें सेंटर को हम स्ट्रॉन्ग रखते हैं, तो वो भी हमने कहाँ से बोरो करा है, कैनेडा से। नेक्स्ट आता है, द आइडिया ऑफ इमरजेंसी प्रोविजंस, इमरजेंसी की हमने बात करी थी कि तीन तरीके की इमरजेंसी होती है, जिसमें से एक फाइनेंशियल इमरजेंसी मैंने अपनी लास्ट क्लास में आप पीछे देखेंगे उसमें एक्सप्लेन करी है। तो ये इमरजेंसी का जो प्रोविजन है ये हमने कहाँ से बोरो करा है, तो ये हमने बोरो करा है जर्मनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द ऑफिस ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्त इन इंडिया इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये जो लोकपाल एंड लोकायुक्त होते हैं ये कौन कहाँ से बोरो करा है, मतलब एक तरीके से वो किसके ऊपर बेस्ड है, वो है ओम्बुड्समैन इन स्कैंडिनेवियन। नेक्स्ट आता है, मैच द फॉलोइंग है, आपको बताना है डीपीएसपीज हमने कहाँ से बोरो करे हैं, मैंने आपको भी बताया था डीपीएसपीज हमने कहाँ से बोरो करे हैं, आयरलैंड से बोरो करे हैं। इमरजेंसी प्रोविजन हमने कहाँ से बोरो करे हैं, इमरजेंसी प्रोविजन जो आए थे वो हमने जर्मनी से करे हैं। यूनियन एंड स्टेट रिलेशन, जिसमें सेंटर क्या होगा, स्ट्रांग होगा, तो ये हमने कैनेडा से करे हैं। एंड अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमने साउथ अफ्रीका से करे, तो ये सेम वही आ रहा, तो ये आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। देन नेक्स्ट कम्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज टेकन फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द अदर कंट्रीज, तो डीपीएसपीज कहाँ से बोरो करा है, तो जो डीपीएसपीज बोरो करा है वो हमने आयरलैंड से करा है, इरिश से बोरो करा है। विच ऑफ द फ्लोइंग वॉज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिगेस्ट सोर्स जो रहा कॉन्स्टिट्यूशन का वो रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन मैच द फॉलोइंग है, इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट विद ग्रेट पावर टू द यूनियन, सेम वो ही है कैनेडा। नेक्स्ट फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स हमने किससे बोरो करे हैं। देन कम्स डीपीएसपीज, डीपीएसपीज हमने किससे बोरो करे हैं, आयरलैंड से। कॉन्करेंट हमने किससे बोरो करा है, ऑस्ट्रेलिया से। एंड इंडिया इज वो किससे बोरो करा है, कनाडा से। एंड फंडामेंटल राइट्स किससे बोरो करा है हमने, यूएसए से। तो इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बोरोड ऑफ इंडियन फेडरेशन, अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है कि इंडियन फेडरेशन का जो हमने बोरो करा है वो हमने कहाँ से बोरो करा है, कैनेडा से बोरो करा है। तो ये आज हमारे कंप्लीट होते हैं सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्लस मैंने आपको इनके क्वेश्चन का आइडिया भी दे दिया कि ये क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। ओके, थैंक यू।